की जगह पता कार्यालयों के पास और दुकानों के पास, क्योंकि इसमें हमारी एक बहुत बड़ी कमी है कि हम एक वर्षों पुरानी मांग को अभी तक नहीं मनवा पाए। सरकारें आई गई, आज तो बहुत लोगों के मुंह से ये भी सुना जाता है यार इससे बढ़िया तो उत्तर प्रदेश सरकार भी ठीक था, हालांकि ये सब तो अच्छा नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड हमारी मांग एक बहुत बड़ी कुर्बानी के बाद हमको उत्तराखंड मिला, और उत्तराखंड मिलने के बाद लोगों की ये एक बहुत बड़ी आशाएं थी कि हमारे राज्य में हमारे ही जनप्रतिनिधि होंगे, हमारे ही सरकार होगी और हम ही लोग उसको संचालन करने वाले होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश तक हमारे हाथ काफी दूर तक पहुँचवाने में दिक्कत करते हैं और एक संक्षिप्त हमारा उत्तराखंड राज्य होगा, और हुआ भी यही, उत्तराखंड राज्य हमको मिला बड़े कठोर संघर्ष के बाद, और हमारे नेता भी गए और हमारे यहाँ के लोग कैबिनेट में भी गए और हमारे ही यहाँ के लोग आज तो यहाँ तक चुकी है कि वो मुख्यमंत्री है तो कोई नेता प्रतिपक्ष है तो कोई प्रदेश अध्यक्ष पक्ष है, और उसके बाद सबको ये मालूम होते हुए कि जुनून आवश्यकता इतनी पुरानी मांग को आखिर यह हल क्यों नहीं, इस पर हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग को भी एक बड़ा आश्चर्य होता है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह उनके चेहरे के सामने आता है कि भाई आखिर यह होता क्यों नहीं है, ये हो क्यों नहीं है, और जबकि हुए ऐसा नहीं है, पर्वतीय क्षेत्र में जब उत्तर प्रदेश की सरकारें थी तो कभी इसमें सैद्धांतिक सहमति मिली है, तो कभी इसमें ADM की नियुक्ति की गई है, तो पुलिस क्षेत्राधिकारी की नियुक्ति की गई है, सरकार भी इस बात को समझ रही है। आज आप देख रहे होंगे कि अल्मोड़ा को महानगर के रूप में घोषित कर दिया गया है, पहले यहाँ SP बैठते थे पुलिस अधीक्षक, अब SSP का पद यहाँ पर सुस्वीकृत हो चुका है और उन्होंने अपना पदभार भी संभाला है। इस बात को समझना चाहिए कि यदि इस प्रकार से तहसीलों का विस्तार करेंगे और जिले को हम एक महानगर के रूप में महाजिले के रूप में मानेंगे तो निश्चित रूप से जनपदों का भी प्रशासनिक आकार छोटा छोटा होना निहायत आवश्यक है। आज देखिए, मैं तो पहले जब सेवारत था तो मैंने सन 1976-75 से जब मैंने रानीखेत तहसील को देखा था तो रानीखेत तहसील अपने आप में एक विस्तृत तहसील थी, लखनऊ से यहाँ पर लोग आने के लिए पोस्टिंग कराने के लिए SDM तहसीलदार तरसते थे, रतदार रानीखेत बहुत अच्छी जगह, क्योंकि रानीखेत को ही सब डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिला, और दुर्भाग्य है, बड़ा अफसोस है, बड़ी लानत है, बड़ी शर्म है, और ये कहते हुए मुझे बड़ा दुख होता है कि तब से निरंतर रानीखेत जनपद की इस मांग को छला दे, लोग राजनीतिक दायरा बढ़ाते रहे, अच्छे अच्छे पदों पर आसीन होते रहे, कैबिनेट में जाते रहे, मैं नाम नहीं लेते हुए ये भी अगर आज इस बात को प्रबलता से कह दूं कि वही लोग इस जिला बनाओ आंदोलन के लिए बार बार चिल्लाते थे, और जब वो सत्ता में गए वो अच्छे पदों पर आसीन हुए तो वहाँ जाके भूल क्यों गए, ये बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि अन्य जनपदों की जैसे आपने देखा होगा कल के समाचार पत्र हिंदुस्तान ने बहुत अच्छी खबर लिखी है कि कोटद्वार के लोग भी अब इस आंदोलन में कूद चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही डूडीहाट के लोग भी आएंगे और काशीपुर के लोग भी आएंगे, जहाँ जहाँ जो प्रस्तावित जनपद हैं वो लोग निश्चित रूप में इस पर आगे बढ़ेंगे, और हमारा तो DN बड़ौला जी ने 1.5 साल से सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लोगों की बात लेकर के इस बात को समर्थन में, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा ये किसी राजनीति से प्रेरित आजकल तो छोटी मोटी बात कहीं पर हो जाए